ऐसा लगता है कि ये कोई गार्डन है और वो ये लेकर आए थे। मैं बहुत खुश हूँ सच में। ओह कितना अच्छा है। मिस्टर एमरे को देखो तो ठीक है, वो अपना प्यार जताने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पर तुम्हारा क्या लैला, तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? मुझे नहीं पता सनीम क्या हो सकता है। पता नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो सनीम, चीजें इतनी आसान नहीं होती। आसान नहीं है? देखो तो वो तुम्हारे लिए फूल भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे भी फील होता है, पर सनी मिसेस हुमा का क्या? मिस्टर जान भी उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, पर वो फिर भी उनकी प्राइवेट लाइफ में झांकती रहती हैं। वो मिस्टर एमरे के साथ कुछ गलत ना कर दे, बस मुझे बस इसी बात का डर लगा रहता है। हाँ पर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ हम करते हैं, पर ओस्मान से अलग हुए 2 दिन नहीं हुए हैं। हम एमरे के पास्ट को भी जानते हैं। लैला क्या तुम उन पर ट्रस्ट नहीं करती? मैं ट्रस्ट करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ दैट ही लव्स मी। तो बस ठीक है। मैं श्योर हूँ, पर बात ये है, मिस्टर जान अपने मॉम के खिलाफ जा सकते हैं। उन्हें जो चाहिए वो कहते हैं और करते भी हैं, पर क्या मिस्टर एमरे ये कर पाएंगे? जान अपनी मॉम को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जान को भी जो चाहिए वो ओपनली कहते हैं। मिसेस हुमा के सामने जान सीधे सीधे बोल देते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं एमरे के लिए ऐसा नहीं कह सकती। मिसेस हुमा तो हर चीज में इन्वॉल्व होती हैं। वो इमरे को खिलौना बनाकर खेल भी सकती है। मुझे ये सब समझ में नहीं आता कि मैं कैसे हैंडल करूंगी। लैला तुम्हारी सिचुएशन तो हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर तुम भी सही है। उनके बारे में मत सोचो, अपने फ्लावर्स को एंजॉय करो ना। हाँ सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, पर मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे। और वो जानते हैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करना। मिस्टर जान, आप प्लीज हेल्प कीजिए ना, मैं इसमें से कौन सा चूज करूं? हाँ ये वाला। ओके थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जान कल रात जो भी हुआ वो क्या था? मुझे थकान हो रही है, वो आवाजें, वो शोर, और उन्होंने हमें क्या क्या दिया था खाने में, वो अलग अलग डिशेस, और मेरा स्टमक है। आप ऐसा मत कहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? सब कुछ टेस्टी होने वाला है, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। हमें जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में कोई। और वो अंकल, तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता वो सब कितने अलग हैं, काफी अलग हैं एक दूसरे से सच में। जैसे कि? वैसे मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बस थोड़े वर्ड सीख लेते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, और ऐसे दिखाते हैं कि वो सच में अमीर हैं। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। यहाँ चुगली करना अच्छी बात नहीं है, ये ऑफिस है, लेकिन आप जो कह रही है वो एक घिनौना आरोप है। मैं कल उनसे इटालियन भाषा में बात कर चुका हूँ और वो अच्छा बोल लेते हैं, और अब ना मुझे इस बात पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अब बस अपनी शादी की डेट फिक्स करनी है, दैट्स इट। ये दर्द तो खत्म ही नहीं हो रहा, मैं चलती हूँ दवाई खा लेती हूँ। मिस्टर जान, एक सेकंड प्लीज। हाँ बोलो क्या हुआ? आपको बैकग्राउंड कलर के लिए एक ईमेल भेजा है, क्या आप एक बार देख लेंगे? यार तुम ना कभी नहीं बदलोगे, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ती है। रुको मैं बताता हूँ। जी आई एम सॉरी फॉर दैट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। Thank you, beautiful. सनेम, मैं आ गया हूँ। ओके अंकल, आप यहाँ हैं? मैं फिलहाल 2 मिनट के लिए बिजी हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एजेंसी में, जेजे और बाकी लोग, वो आपका ख्याल रखेंगे, मैं आती हूँ तब तक। ओके सी यू। ओके बाय। क्या तुमने अंकल को यहाँ बुलाया सनी? मैं और क्या कर सकती थी, हमारी मॉम को भी वही पसंद है और मिसेस यूमा को भी वही पसंद आने लगे, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, वो सबको इन्फ्लुएंस भी करते रहते हैं। हाँ। पर हमारी मॉम क्या कहेगी, क्या तुमने इस बारे में सोचा? ठीक है, शुरुआत में वो थोड़ा सा गुस्सा करेगी, लेकिन हमारे अंकल ही है जो जानते हैं कि उनके साथ कैसे पेश आना है, और बाद में उनकी अच्छे से बनने भी लग जाएगी, तुम देख लेना। हाँ बिल्कुल, मतलब वो थोड़ा सा उनसे सेपरेटली बात कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे से बात कर सकते हैं, और देखना उसके बाद हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, इस तरह से सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, देख लेना। हाँ मुझे उम्मीद है कि ये वर्कआउट हो। ठीक है तो मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल सही। ये फ्लावर किसके लिए? बड़े अच्छे आदमी ने भेजे हैं, मिस्टर एमरे ने सरप्राइज दिया। वाओ वेरी नाइस। मुझे बैंक में कुछ काम है, मेरे रूम में एक कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, तो तुम उस राइटर को जाकर दे देना, ठीक है? मुझे अभी चलना होगा। ओके ओके डोंट वरी, मैं कुरियर को दे दूंगी। सी यू। आई एम गोइंग। ओके सिस्टर। हाँ ये रेडी हो गया, आप देख लीजिए। जी मैम। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
अच्छा एटमॉस्फेयर है, जैसे कि यूरोप में होता है। मिसेस दरिन, सनेम के अंकल मिस्टर मिथाट। रियली वेरी नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। एक्चुअली सनेम यहाँ पर नहीं है, वो नीचे दूसरे ऑफिस में काम करती है। बहुत अच्छा। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो हमारे दूल्हे को मिलने आया था। मिसेस हुमा। आह, वेलकम। थैंक यू सो मच। आप तो कल से भी ज्यादा आज खूबसूरत लग रही हैं। ओह यू आर सो काइंड। ओह आपकी ये ब्यूटी, आपका ये एलिगेंस कमाल का है। आप वाकई में एक जेंटलमैन हैं। म्यूजिक काफी अच्छा है। क्या आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? कौन पसंद नहीं करता। शोपेन द कंपोजर ऑफ लव। हेलो मिस्टर मिथाट। बोंजोर्नो जान। हेलो, नाइस टू मीट यू। तो कौन है कंपोजर ऑफ लव, बताइए प्लीज। शोपेन। ये शोपेन ने ही तो कंपोज किए थे जॉर्ज सैंड के लिए। वो अ फेमस वुमन राइटर, क्या वो उनके प्यार में थे? वैसे भी वो काफी सिमिलर हैं। हाँ हाँ, उन दोनों को तो बस देखते ही प्यार हो गया था। मैं हमेशा उनके ग्रेव्स के पास जाता था अपने जैज बैंड के साथ जब मैं पेरिस में था। पेर ला शेस, सही कह रहा हूँ? हाँ, ओई मोसियो, कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम जानते हो जान, शॉपिन का दिल एक्चुअली वहाँ है ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो अब कहाँ है? उनका दिल उनके होमलैंड में था, पोलैंड में। वो अपने होमलैंड से काफी जुड़े हुए थे। कितनी अच्छी स्टोरी है। क्या आपको फ्रेंच भी आती है? सॉरी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, बाय। तो कौन सी लैंग्वेज बेटर है, फ्रेंच या इटालियन? मैं दोनों मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी इटालियन बेटर है। आप आ गए, सॉरी मैं बिजी थी। ओ, कोई बात नहीं। यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे बारे में मैं भूल ही गया। कितना अच्छा है। क्या हम साथ में लंच पर चल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है। क्या हम पूरा दिन साथ में बिताएं? ऑफ कोर्स, अगर मिसेस हुमा आपकी मंजूरी हो तो। आई डोंट माइंड, हम जा सकते हैं। हाँ जरूर, ये अच्छा आइडिया रहेगा। हाँ पर सनेम सब लोग साथ में नहीं, सिर्फ मैं और मिसेस हुमा। ये तो और भी अच्छा आइडिया है। मुझे भी बहुत सारे काम है और मैं वो करके आती हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन कर लूंगी। ओके, सॉरी, नेक्स्ट टाइम, बॉन एपिटीट, बाय। ठीक है, मैं जाकर अपना कोट और बैग लेकर आती हूँ। ओके, अभी आई। ऑफिस बॉय, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। ओके, यस प्लीज, चलिए। अरे मैं तो भूल ही गया। क्या? एक्चुअली मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मिसेस हुमा, आपको देखकर मैं भूल ही गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि एमरी के साथ मुझे लंच करना था। अब मुझे याद आया, आई एम सो सॉरी, हम किसी और दिन चलते हैं। मैं ये कॉम्पेंसेट कर लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरविदर्जी, बाद में मिलते हैं। Have a nice day. जे जे, हाँ? वो क्लासी है, बहुत क्लासी। उनकी उनकी अपनी टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं। पहले वो तारीफ करते हैं पर बाद में गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग है और वो चले गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो काफी क्लेवर हैं। मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मिथाट क्लासी आदमी है। ओह गॉड, मेरे अंकल को तो देखो, उन्होंने एक मिनट में सारा शेड्यूल बदल दिया। और मुझे मीटिंग में जाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ये भी नहीं, ड्रॉ में था, कहाँ होगा? यहाँ भी नहीं है, कहाँ रखा? हाँ याद आया मुझे, यही होगा, यही है क्या? किसी लेखक ने कहा है कि तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम्हें अपना प्यार नहीं मिलता। सालों से मैं उस प्यार को ढूंढ रहा था जब पहली बार मैं तुमसे मिला। मुझे लगा कि मेरी दुनिया में बस तुम्हारी कमी थी, तुम सामने थी, ऐसी औरत जो मुझे पूरा करेगी, मेरी अधूरी जिंदगी में रंग लाएगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ।
और मैं खुद को रोक नहीं सकता। इसका मतलब जान सही थे। क्या पढ़ रही हो? वो मैं यहाँ फाइल ढूंढ रही थी। ये मेरा सीक्रेट था। ये यहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, ये लो देख लो। आई एम सो सॉरी। क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? ये सब पॉसिबल नहीं है। जो कुछ भी तुमने लिखा है मेरे लिए। तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये डेरेन के लिए भी तो हो सकता है ना। डेरेन? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं तो काफी सरप्राइज्ड हूँ। और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करोगे, मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स, मैं तुम दोनों को इमेजिन कर सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। यस। लेकिन ये सब कैसे हुआ? लव एट फर्स्ट साइट? हाँ, एग्जैक्टली। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी मच्योर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ऐसे लोगों को समझ ही नहीं सकते। क्या ये सब मेरे लिए था? तुम तो एक मच्योर मैन हो एमरे, मुझे तुम पर नाज है। थैंक यू सो मच, सुनकर अच्छा लगा। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, कोई रीजन नहीं है। मैं बस ऐसा कहना चाहती थी कि ओ एमरे डियर, मुझे तुमने आज तक कभी भी निराश नहीं किया है, कभी नहीं। मैं हमेशा ट्राई करते रहता हूँ कि आपका दिल ना दुखे। नहीं, तुमने ट्राई किया ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा नेचर है। जान किसी की नहीं सुनता है, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम हमेशा मेरा कहा मानते हो। हाँ, अब जो कहती है हमेशा मैं वही करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं पता क्यों? क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। और एक मॉम को अपने बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए इंस्टिंक्ट्स मिलती है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। सही कहा, आपने हमेशा से मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स को अप्रूव किया है। ओके, मुझे एक बात बताओ कि क्या आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें निराश किया है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक स्टैंडर्ड और क्लास रहा है। सच में? लगता है कि आप आइलैंड को भूल गई हैं। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक्सेप्शंस भी होते हैं, और उसके अलावा वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसकी एम्बिशंस ने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ ही लूंगी, और वो भी बहुत जल्द। मॉम सुनिए। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या हम दोनों बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज प्लीज। यहाँ होना, हम बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम बात समझो मेरी। चाय प्लीज, मैं ले लेती हूँ। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? ये था, हमें बात करनी चाहिए, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है। ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज जैसा है। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। नहीं प्लीज सनम, छोड़ो ना यार, छोड़ो। हम अच्छे लोग हैं, थैंक्स, लेकिन मैं ये खुद के लिए भी लिख सकता हूँ ना। वैसे जो आदमी इतना अच्छे से लिख सकता है, उसे मेरे मदद की क्या जरूरत? कितने अच्छे सेंटेंसेस थे वो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो एकदम रोमियो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। ओह, तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो, नाइस। हैविंग अ गुड चैट, या? एनीवे, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम कुरियर कर देना। गीत, गीत। जॉन।
मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद को शांत रहने की सलाह भी देता हूँ, हमेशा शांत रहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। सच में ये करने की कोशिश भी की है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेडिकल एडवाइस, यू नो, उससे फायदा भी हुआ, लेकिन हमेशा नहीं। तुम कैसे किसी और के साथ खुश रह सकती हो? कैसे हंस रही थी तुम उसके साथ, मैंने देखा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पर सिर्फ जब तुम मेरे साथ हो तभी तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। ठीक है जान, यहाँ बैठिए ना, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात के क्या है। बैठिए ना। ये देखो, चाय भी पीती उसके साथ। जान बिल्कुल नहीं, हम उसे नहीं पियेंगे। हाँ, वैसे आपको पता है ईद के दिल में कौन रहता है? बताओ कौन। कौन? आपको सच जानना है ना, मैं बताती हूँ। डेरेन, उसे डेरेन बहुत पसंद है। डेरेन? सच में? हाँ हाँ। अब जान, उसके अलावा उसे कोई पसंद नहीं है, वो एकदम ही प्यार में है, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से आपको गलतफहमी हुई है। क्या ये गेट नहीं है, कन्फेस किया तुमसे? कोई सुनने का? तो उसने ऐसा कहा हाँ कि उसे डेरेन से प्यार है? नहीं, उसने ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कहा था, मतलब उसने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्चुअली उसने एक लेटर लिखा था और एक्सीडेंटली मैंने उसे पढ़ लिया था, तब उसने मुझे ये बताया, और वो बहुत खूबसूरती से लिखा था उसने, जैसा हम सोचते हैं। वो बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बहुत शाय है, एकदम इंट्रोवर्ट। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि डेरेन को भी वो बहुत पसंद है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इन्वॉल्व मत होना, मैं खुद कर सकता हूँ, आपको पता है वो काफी शाय है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं डार्लिंग? मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने आया हूँ, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। अब जान, हम एक काम करते हैं ना, एजेंसी में एक मीटिंग अरेंज करते हैं, प्लीज। एक काम करते हैं, डेरेन को भी बुलाते हैं और इगित को भी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रही हूँ ये? वो क्यों और किस लिए? आप समझ गए ना, हम पब्लिशिंग हाउस के बारे में बात कर सकते हैं, हम मिस डेरेन को वहाँ बुला सकते हैं और ईद को भी, वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, इस तरह उन दोनों की हेल्प हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं येगेट और डेरेन को लेकर 100% श्योर नहीं हूँ। जान, उन्हें डिसाइड करने दो, हम एटलीस्ट एटमॉस्फेयर तो बना सकते हैं। आपको अभी भी डाउट है उनके बारे में? ओ, तुम बहुत हेल्पफुल हो। Igit loves Darren. Okay, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। Let's do that. I love matchmaking. हाँ, नोटिस कर चुका हूँ। और फिर मैं Igit से ऐसा कुछ कहूँगी कि तुम मिस डेरेन का ध्यान रखो। Okay. पर उसे ईमेल करना, उससे फेस टू फेस बात मत करो। हाँ, फोन कर दो। आप एजेंसी में जाइए ना। वैसे मेल बेटर रहेगा। मैं एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। हाँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा ही होगा। कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो तो। ओके। अरे भूल ही गया। ये क्या कर रहे हो ऑफिस बॉय? जब आसपास अननेसेसरी लोग रहे तो मैं ठीक से लिख नहीं पाता। मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मैं नहीं लिख पाता, मेरा इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अननेसेसरी लोग? क्या ये तुम मुझे कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप जरूरी हैं, आप बहुत जरूरी हैं। हाँ, पर अच्छे से काम करने के लिए मुझे आसपास लोग नहीं चाहिए। मेरा ऑरा पूरा डैमेज हो जाता है, मेरे ऑरा का कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। ये लोग बकवास कर रहा है ये ऑफिस बॉय। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हेलो मिस्टर मिथाट। मिसेस हुमा, मुझे माफ कर दीजिए, कहीं मैंने आपको डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया? अगर बिजनेस नहीं होता तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करता, सच में। ओ, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू समझने के लिए। मैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहता हूँ, इसलिए मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है। मतलब क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? अगर आप चाहें तो साथ में खाना खाएं। क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं जल्दी वहाँ पर पहुँचता हूँ, प्लीज वेट कीजिए। ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। आ,
दरअसल मैं चेयर चेक कर रहा था मिसेस हूँ, क्योंकि यहाँ तो वॉल टू वॉल कार्पेट है ना, सब कुछ यूजलेस है। हाँ धीरे धीरे, अब मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ, सब कुछ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना, बाय बाय। बेटा अब तुम यहाँ से जाओगे? चलो हटो हटो। जैसा आप कहें मॉम। मिस्टर मिठाक का जादू, मिस्टर मिठाक ने कमाल कर दिया, वो तो एकदम सॉफ्ट हो गई है किसी कॉटन की तरह। वो जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। हेलो, वेलकम मैम। थैंक यू। प्लीज अभी मुझ पर सब कुछ छोड़ दीजिए। चलिए अब आपके लिए कोई स्पेशल डिश मंगाते हैं। ऑलराइट। मेनू को छोड़ दो और ध्यान से सुनो। स्टार्टर में खाएंगे एवोकाडो सॉस विद मैरिनेटेड सैल्मन और स्मोक्ड डक ब्रेस्ट, ग्रिल्ड एस्पैरेगस और लेग्यूम फ्रेश ब्रेस्टल के साथ, और साथ में लाना एक पिमेंटो डे पेट्रो। लाता हूँ सर। कैसा लगा? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे कन्फेस करना चाहिए कि शुरुआत में आप अलग लगे थे मुझे। कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये। आप काफी डिफरेंट हैं। वाकई आपने एक अच्छा रेस्टोरेंट चूज किया है। मर्सी। पेरिस में भी एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट मुझे पता है। उम्मीद है कि एक दिन हम वहाँ साथ में जाएंगे। क्यों नहीं। Have a seat. आप कितने काइंड हैं। कितना फैंटास्टिक व्यू है ना, सच में बहुत सुंदर है। सही कहा, हम लकी हैं क्योंकि वेदर भी अच्छा है। हाँ, जैसे कि हम कोई समंदर में हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं क्या खा पाऊंगी। चिया सैलेड। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है वो। हाँ मुझे पसंद है। हाँ दो सैलड्स विद चिया, पर प्लीज जल्दी लाइएगा, भूख लगी है। ओके सर। थैंक्स। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ। इसे ऐसे पोमोग्रेनेट सिरप के साथ खाओ। ये मेरे लिए है। लो खाओ। वंडरफुल। ये सॉसेस बहुत अच्छी हैं। मिसेस हुमा, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ? हाँ मेरी मॉम है। काम डाउन। साथ में तुम्हारे अंकल भी हैं। क्या मेरे अंकल? वो यहाँ पर हैं। इधर हाँ, तुम्हारे अंकल वही जो हमेशा सेल्फी लेते रहते हैं। मेरे अंकल मिथात, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं होगा, जस्ट काम डाउन प्लीज। ऐसे कैसे? अब हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। सच में ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये दोनों यहाँ पर साथ में कैसे? मानना पड़ेगा तुम्हारे अंकल को, कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। एमरे, मैं काफी रूड हो रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। अरे नहीं, मुझे पता चला कि मेरी मॉम उनकी वेडिंग डेट पर तीसरी शादी करने वाली थी, पर मुझे तुम्हारे अंकल बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मॉम की लाइफ अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ। अब हम क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ अभी। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो? हाँ चलो प्लीज यहाँ से। अच्छा ठीक है चलो। ओके मैं ये ले रहा हूँ। बिना देखिए सनम, ये मीटिंग किस लिए है? दरअसल हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जान अगर इस बात पर ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्यों है ना? What's up? Welcome. Hello. Mr. Dylan. यहाँ आइए मेरे साथ, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना, हम इस मीटिंग का थोड़ा सा ऑरा बदल देते हैं। क्या है ना, मुझे जान की प्रोफाइल अच्छे से दिखती है। मैं समझ गई, चेंजेस। ओके तो अगर हम रेडी हो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सनम, क्या तुम लोगों ने पहले बात कर लिया? हाँ, मैं इन्हें पहले से ही बता चुकी हूँ कि पब्लिसिटी अच्छे से होने चाहिए, फिर आप जाइए। हाँ अच्छा है फिर। अच्छा तो ड्यू टाइम में ऐसा हो गया ये गेट? हाँ देखो जान, क्यों ना हम पहले बुक्स को पब्लिश करें, उसके बाद हम पब्लिसिटी कर सकते हैं उसकी। मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है?
तुम कर सकते हो ये गेट, मेरे लिए लेटर्स भी इनफ हैं। लेटर्स? ऐसा सुना है बुक्स जिनमें लेटर्स हैं वो काफी फैशन में है फिलहाल। यस ट्रू। हाँ एग्जैक्टली, फिर तुम बाद में दूसरे पब्लिश कर लेना। शायद। मिस डेरन, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है ना, आपने कहा था कि पब्लिशिंग हाउस का ऑरा चेंज करना चाहिए। क्या मुझ में है? आपके पास आइडिया है ना? हाँ आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज थे ना, उस दिन आपने मुझे बताए थे, याद है कलर्स के बारे में बात करी थी आप। ऑरा? हाँ ऑरा, मैंने कहा था रेड और ऑरेंज वो काफी अच्छा मैच है। हाँ ऐसा ही कहा था ऑरा, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ कहा था मैंने। हाँ मैंने ऑरा के बारे में बात की थी। हाँ इन्होंने ही कहा था कि इगीत एक कलरफुल पर्सनालिटी है, उन्हें थोड़ा सा डोमिनेंट होना चाहिए पब्लिशिंग हाउस में। हाँ। तो हम इगीत की डोमिनेंसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। थैंक यू। हाँ ये एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस है, उसकी जरूरत क्या है? अरे क्यों जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स जरूरत है, आज छोटा है पर कैंपेन से बड़ा हो जाएगा। ब्रावो डेरन, तुमने बहुत अच्छा थॉट दिया, ये वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। नाइस नाइस, थैंक यू मिस्टर जॉन। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्या ये जरूरी है? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं है इगेट? अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम जाकर मिस डेरन से बात कर सकते हो, और वो तुम्हारे सारे सवालों का अच्छे से जवाब देगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, वो काफी क्रिएटिव है, और आगे जाकर तुम दोनों एक टीम हो सकते हो, अच्छी टीम। तुम्हें करना होगा, तुम सक्सेसफुल रहोगे। हाँ मुझे नहीं पता मैं और क्या कहूँ। मैं क्या बता सकती हूँ आपको, आपको जो पूछना है वो पूछिए, अपने क्रिएटिव माइंड से नए नए आइडियाज निकालिए और जोश से काम कीजिए। आपको पता है ना कि हमें इस एजेंसी अच्छा। को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, तो बिल्कुल जोश में आकर काम कीजिए, यही मौका है। ब्रावो, ये हुई ना बात। हाँ, क्यों है ना, मेरा कलरफुल कैरेक्टर, मेरा डोमिनेट कैरेक्टर, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ तुम जरूर ट्राई करो, और एजेंसी और पब्लिशिंग हाउस दोनों के लिए। हाँ ऐसा ट्राई करना ही होगा, ये यूनिफिकेशन है, आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस। एब्सोल्युटली। ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हम, क्या ये सच है? हाँ एक्चुअली मैंने वो लाइट देखी थी। तो ठीक है अब हमें चलना चाहिए। ओ और मैं तो ये कहना भूल गई कि जान ने मुझे याद दिलाया, मैं फिर से कहना भूल गई, मैं क्या कहना चाहती थी, समझ गया। एक्चुअली अब हम बाहर जा रहे हैं, तुम लोग काम करो, हम बाद में आते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। काम करो, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप काम करो। मेरी बात सुनो, मुझे कॉल करना है, क्यों ना हम ये कल कर लें, क्या लगता है तुम्हें? अगर आप चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सी यू सून। सी यू। क्या क्या हम चाय पीने चले? हाँ फोन बज रहा है। अरे मैं यहाँ अकेली क्यों खड़ी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, खाना बहुत अच्छा था सच में। ओह माय प्लेजर, थैंक यू। लाइए मैं कर देता हूँ, लीजिए। यू आर सो काइंड। ओह प्लीज, इट्स एन ऑनर। मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, कभी कभी मैं फिश खा लेती हूँ पर इस तरह से कभी नहीं खाया, ये कितना टेस्टी था। I'm happy कि तुम्हें अच्छा लगा, मेरे भाई ने मुझे जगह बताई थी। मुझे भी ये जगह पसंद है। लाइफ में कितने सारे सरप्राइजेस हैं ना। हाँ मैं भी फिश खा रही हूँ, ये कितना बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए भी। तुम फिश खा रही हो और हम दोनों यहाँ खुशी खुशी बैठे हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी मेरे लिए।
लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे ये बात सबको बताने का मन कर रहा है। आपके लिप्स पर कुछ है। ओके, अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूँ। पर हमें थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, ये बेहतर रहेगा, ठीक है ना? हम कितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं लैला। उस्मान, उस्मान की वजह से तो नहीं ना? नहीं, उस्मान के साथ कोई लेना देना नहीं, मुझे बस मेरी फैमिली की फिक्र है, लोगों की गॉसिप्स। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था, ये बेहतर रहेगा, है कि नहीं, आप ही बताइए। मुझे अब और वेट नहीं करना है लैला, क्यों ना हम हमारी फैमिली से बात कर लेते हैं, मुझे बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम हमेशा के लिए वेट करें, पर थोड़ा तो और कर लेते हैं। क्या? क्या? हाँ क्यों नहीं, फिर हमें किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Are you crazy? ये ऐसे मुमकिन नहीं है। नहीं बिल्कुल। हाँ, मैं क्रेजी हूँ। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता लैला, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, मैं इस पल के लिए कितने सालों से सपना देख रही थी, पर मेरी फैमिली का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इस बात को यूज टू भी नहीं हो सकते, ये उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोलिए ना, आप समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको आपको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी और लंच काफी अच्छा था। आपके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। You're so kind. Thanks again. My pleasure. See you. अंकल, क्या है? यहाँ आपने कहा था कि आप उन्हें ले गए थे, पर प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए। हाँ, मैं उन्हें वापस ले गया। और कैसा रहा सब कुछ? फैंटास्टिक, ये कोई पूछने की बात है? क्या उन्हें आप पसंद आए? क्या उन्हें मैं पसंद आया? हर औरत को मेरी कंपनी अच्छी लगती है, याद रखना। हाँ आप सही कह रहे हैं अंकल। हेलो, वेलकम अंकल मिथात, कैसे हैं? हम यहाँ थोड़ी बात कर रहे थे। हाँ थोड़ी कुछ बात। तुम्हें शादी करनी है पर तुम्हारी मॉम्स। हाँ ब्रावो, आपने तो प्रॉब्लम को यूं ही समझ लिया, वेरी नाइस, आप काफी स्मार्ट हैं। ये समझना बहुत ही आसान था बेटा, ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है इस कंट्री में, तुम्हें पता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम घर जाएंगे, साथ में कॉफी पियेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का साथ में हल निकालेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर देंगे। हाँ ठीक है, पर मिस हुमा का क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो। डिफिकल्ट है, हमने उनसे पहले बात की, हम ट्राई कर चुके हैं, ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरिविदर्शी। थैंक यू। हाँ गुड बाय अंकल। मुझे लगता है उनके पास कोई प्लान है। हाँ अगर वो सक्सेस होते हैं तो काफी ग्रेट रहेगा। शायद वो हो सकते हैं या नहीं, तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानती हो। हमारे घर में झूठे लोग नहीं है। सच में? यू नो उनकी स्टाइल मुझे मेरी याद दिलाती है, हम कुछ सिमिलर दिखते हैं। यू नो मुझे वो काफी पसंद है, अच्छे इंसान है वो, वेरी नाइस। हाँ क्या हुआ? ये कितनी अच्छी बात है कि हम फिर से एक साथ हैं। ये सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से हुआ है मिस्टर मिथात, क्या हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें प्लीज? तो फिर एक सेल्फी। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी देखो ना तुम। जैसे तुम अंकल, हम यंग हैं, हम लोग इतना भी नहीं करते जितना कि आप। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, हेलो एवरीवन। ओ मिसेस उमा, आप एक सूरज की रोशनी की तरह यहाँ आई है, आपने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। आप कितनी खूबसूरत है, आपकी नीली आंखें, गोरा रंग काफी खूबसूरत है। अब मॉम आपकी बारी। हाँ तो ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम मिसेस। मैं तुम्हारा पापा। पापा शांत रहो, हाँ ठीक है। हाँ प्लीज 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 अंकल, आप कुछ कहिए ना, अपना टैलेंट दिखाइए ना प्लीज, कुछ कहिए। ठीक है सुनिए,
आज मैं चाय नहीं बना पाई, आप प्लीज कॉफी से मैनेज कर लीजिए ना, प्लीज आज के लिए बस। अब सब कुछ ठीक है। काफी सरप्राइज्ड है। क्यों बेटा, हमारा दरवाजा खुला है सबके लिए। मिसेज मैव के बे, वैसे हमारे दरवाजे भी अब सभी के लिए खुले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी मम स्लिपर्स में बैठी है यहाँ। यू नो व्हाट गाइस, मुझे लगता है अब मैं थोड़ा होपफुल हूँ, हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं बिंदास। चलो लेट्स स्टार्ट। पर मिस हुमा, वो स्लिपर्स आप पर जच रही हैं वाकई में। वैसे सच कहूँ तो मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है। वेरी गुड। वैसे सनम, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर आए हुए हैं। जरूर, शायद आपने पूछना चाहिए कि हमें भी कैसे फील हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, मेरे अंकल वाकई में काफी स्वीट इंसान है। स्वीट, ये शब्द तो बूढ़े मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तुम तुम्हारे डैड को कह सकती हो। अरे सोचो क्या होगा अगर वो कुछ रेड कलर का पहन लेता है और उस पे मेकअप वगैरह लगा लेता है तो। क्लाउन स्टाइल लगेगा। हम उसे सेंटा क्लॉज कह सकते हैं। सोचो कि वो चिमनी में से कुछ ऐसे आता है ऐसे करते हुए। पर वैसे सच कहूँ तो ये अच्छे इंसान है। नाइस चैट, एलिगेंस, पोलाइटनेस, ही इज सो काइंड। हाँ तो अंकल मिथा, क्या हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज, अगर आप चाहें तो प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमने हमारी कॉफीज ले ली हैं और क्यों ना हम शादी की डेट तय कर लें। क्या शादी? हाँ कम ऑन बताइए ना। हाँ बताओ। दे आर सिंक्रोनाइज्ड, यही कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मिथा तुम क्या कह रहे हो? नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू। सब लोग वेट कर रहे हैं ना, सब लोग। ऊपर वाला इन्हें सब्र दे। शब्द बहुत जरूरी है, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, शब्दों से ही सारा काम हो जाता है। शब्दों से आप ऐसा खेल सकते हैं कि जैसे कि आप एक बढ़िया प्लेयर हो और जी, उसके बाद। अयहान, हाय। हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं दरअसल तुम्हारी खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रॉपर शब्द ढूंढ रहा था, पर ऐसा नहीं कर पा रहा, मुझे सब कुछ एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे आज तक तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली आयहान। एक औरत जो दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है, और आयहान वो लड़की तुम हो। तुम क्या कह रहे हो, बकवास कर रहे हो फिर से? तुम्हें तो पता है ना मैं अपसेट हूँ, फिर भी। यंग लेडी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना हम आज एक अच्छे से रोमांटिक डिनर के लिए चलें? पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो, हम मोहल्ले के बीचों बीच हैं और मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। अगर मैं इंसिस्ट करूँ तो क्या वो रूड रहेगा? बताओ मुझे, क्या ख्याल है? जी जी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, अगर हाँ तो हम सी साइड चलते हैं, वहाँ कुछ खा सकते हैं। ओके, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। अरे क्या हुआ? मैं तो टोटली भूल गया, आज रात को मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है आयहान। मैं तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, क्या हम कभी बाद में जाएं? लेकिन हो सके तो आज के लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। ओके, तुम क्या कह रहे हो? फिक्र मत करो, मैं कॉम्पेंसेट कर लूंगा। अरे विदेर जी, गॉड, ये सच में क्रेजी है। जी जी, वो शू मुझे वापस दो, जल्दी दो, मुझे ठंड लग रही है। ओ गॉड, पहले कह रहा था कि बाहर चलो, अब कह रहा है कि बिजी है। पागल हो गया है ये लड़का, इसने मुझ पर जूता फेंका, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? आह, कितना अच्छा फुट है। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं यंग लेडी। अरे प्लीज करने दो, मैं कर लूंगी। रुको, ये मेरा शू है, मैं इसे पहन सकती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे पागल कर रहे हो, हमेशा परेशान करते रहते हो, कभी चैन से जीने नहीं देते हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब ही रहता है हमेशा। बोनासेरा सिनोरिता, बोनासेरा। मेरी सिनोरिता, समझ रही है? लेडी सुनिए, आप लोग फिर से शुरू हो गई।
आपको सुनाई नहीं देता क्या? मिसेस उमा प्लीज एक्सप्लेन करेंगी कि वो लोग शादी से पहले एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्लीज बताइए, एक्सप्लेन कीजिए ना ये सारी बातें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मेरा तो बस इतना कहना है कि इन्हें एक दूसरे को पहले पहचान लेना चाहिए अच्छी तरह से, इससे पहले कि वो शादी करें। लेकिन ये दोनों शादी करने की जिद पर अड़े हुए हैं। कोई भी शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ऐसी बातें करती है ना कि लगता है यही शादी के खिलाफ है। हम लोग नहीं है, जब ये आती है ना मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। ठीक है मिसेस मैथ्यू, काम डाउन प्लीज, हमें शादी करनी है। हाँ हाँ अर्जेंटली। क्यों, किस लिए, किस लिए बताओ तो सही। ओके, बहुत बड़ी सेरेमनी नहीं पर एक सिंपल सी छोटी सी सेरेमनी तो कर सकते हैं ना हम लोग। ये नहीं चलेगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। मेरी प्रेपरेशन को कम से कम एक साल चाहिए, मेरे बेटे को लेकर मेरे कुछ सपने हैं। आप समझते क्यों नहीं? आपके सपने अपने बेटे के लिए हैं तो हमारे भी तो सपने हैं ना। मेरा बड़ा बेटा है, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए गॉर्जियस वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे बहुत सारे प्लान्स करने हैं उसके लिए। तो हमें भी हमारी बेटी से बहुत प्यार है, यूं ही हमें नहीं मिल गई है, बहुत खास है हमारी ये हमारा ही घर है, हम कहाँ जा रहे हैं मॉम? क्या आप लोग सुन सकते हैं प्लीज? हम बस हमारी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, प्लीज। पर आपके मन में तो बस गुस्सा भरा पड़ा है। मैं गुस्से में हूँ, मिसेस मैकबे गुस्से में है और ये हमेशा गुस्से में रहती है। बात करने की कोशिश की पर आप तो। ओके मॉम, चलना चाहिए। मिस्टर नेहात, मिसेस मैकबे, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ओके, आई फील अशेम्ड। मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, मैं आप लोगों से बाद में आकर मिलके आराम से बात करूंगा। नहीं नहीं, सॉरी मत फील करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें छोड़ कर सब कुछ वर्स होता जा रहा है। माय डार्लिंग, माय ब्यूटीफुल, तुम शांत रहो, ठीक है, फिक्र मत करो, ये दोबारा नहीं होगा, मुझे पता क्या करना है, तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। आई विल सी यू सून।